पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़े हैं, या आप पीछे खुद देख लें, ये उनका घर है जो मिनिस्ट्रल एनक्लेव में है और ये तकरीबन 50 के करीब पुलिस की नफरी और यहाँ एक भारी तादाद में गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात ना हो सके। यही वो जमहूरियत की नफी है जिसको आज पीटीआई के अपने मेम्बरान ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। आज की शिकस्त किसी आम उम्मीदवार को नहीं हुई, इस मुल्क के वजीर खजाना को हुई और मुल्क के दारुल हुकूमत में हुई और वो पीटीआई के अपने मेम्बरान के हाथों हुई। कम से कम 17 पीटीआई हुकूमती बेंचों से जो लोग थे उन्होंने अपने वजीर खजाना को वोट नहीं दिया, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इसके बाद कोई जवाब नहीं है कि ये हुकूमत रह सके। जो वज़ीर आज़म अपने बेंचों पर बैठे हुए लोगों का एतमाद नहीं रखता, जो इस मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सका, जिसने इस मुल्क के अवाम को महंगाई और तकलीफ़ के अलावा कुछ ना दिया, उसको और उस कुर्सी पर बैठने का आज कोई जवाब। आज मुल्क के मुस्तबिल का फैसला सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि इन असम्बलियों को तहलील किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को एक दफ़ा फिर अपनी राय के इजहार का मौका दिया जाए। 2018 के चोरीशुदा इलेक्शनों को ये निज़ाम ख़त्म किया जाए और आज जो हुकूमती बेंचों से आवाज़ उठी है ये वो आवाज़ है जो पिछले 2.5 साल में अपोजिशन बेंचों से उठती थी। आज हुकूमती बेंचों पर अरकान भी मजबूर हुए कि वो भी अपनी राय का इजहार करें, उन्होंने कर दिया है। अब वज़ीर आज़म साहब पर लाजिम है कि इस तमाशे को ख़त्म करें, असम्बली को तहलील करें और एक नया साफ शिफाफ इलेक्शन हो जहाँ से पाकिस्तान की तरक्की का एक दफ़ा फिर सफ़र जो है उसका आगाज़ हो। ये आज के इस्लामाबाद के सेनेट के इलेक्शन की हकीकत है, यही आज पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है। हम सब जब यहाँ आए हर शख्स ने मुबारकबाद दी है, हम जहाँ जाते हैं लोग मुबारकबाद देते हैं। आज कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है कि मुल्क में नए इलेक्शन हो और पाकिस्तान तरक्की की जानेब अपने सफर का आगाज कर सके। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।